मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज कायम रहेगा। चौहान ने यहां हैट्रिक बनाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों के दावों पर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भारी पड़ गई। जश्न की यह तस्वीर शिवराज के राज की है, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज दावे करते रहे, लेकिन जब नतीजे आने लगे तो सूबे में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराता दिखाई दिया। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता की हैट्रिक लगाते हुए साबित कर दिया कि प्रदेश में उनके नाम का ही सिक्का चलता है। मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी को भारी मतों से सत्ता में बने रहने का अधिकार दे दिया है। लिहाजा जैसे ही बहुमत पक्का हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाहर आए और प्रदेश के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहा। मैं आदिल भूज हूं, जनता का प्यार और आशीर्वाद, तीसरी बार लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सचमुच में ये जीत मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की जीत है, उसके स्नेह और प्यार की जीत है। जीत से उत्साहित शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में बीजेपी की सत्ता चाहते हैं, ताकि उनके मुताबिक मध्य प्रदेश के साथ जो भेदभाव हुआ है वो दूर हो सके। 2014 में अब दिल्ली में सरकार बनाना है, बहुत भेदभाव मध्य प्रदेश के साथ हुआ है। अगर केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव ना करती तो शायद हम आगे और बहुत आगे होते। अब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ना तो जनता को स्वीकार है और न प्रदेश को स्वीकार है। यूं तो विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश में सत्ता में वापस आने के लिए कोशिशें कम नहीं की। कांग्रेस का युवा और तेज दर्रार चेहरा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश के कांग्रेस के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, सत्यव्रत चतुर्वेदी के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने जनता के बीच जाकर रैलियों पर रैलियां की। प्रचार पोस्टरों में बीजेपी के विकास के दावों की पोल खोलने की कोशिशें भी कम नहीं हुई, लेकिन जनादेश आखिर शिवराज के पक्ष में ही दिखा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तो विकास से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम हैं वह इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि जनता का भरोसा विकास में है। जनता विकास को पसंद करती है। जो लोग विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे, जो अच्छी नीयत से जनता के लिए काम करेंगे, जनता उनको पसंद करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत में पार्टी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान का कितना असर है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान एक अलग हैसियत रखते हैं। पिछले 10 सालों में उनकी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनता के हित के लिए चलाई गई योजनाओं पर बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अपनी मोहर लगा चुके हैं और चौहान के चेहरे को मोदी से भी बड़ा चेहरा बता चुके हैं। शायद यही वो वजह थी कि चौहान ने जब जीत का धन्यवाद देना शुरू किया तो उनकी जुबान पर सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी का नाम आया। शिवराज ने इस बार प्रदेश की जनता से वादा किया है कि जो क्षेत्र छूट गए हैं विकास वहां भी होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।